सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं अभी अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाग कर एडिटिंग कर रहा था। तो गाइस, आपने यार पिछले ब्लॉग में देखा था कि हमारे घर पे मेहमान आए थे, वो यार सड़े गए। तो यार तब से ना मेरा मन नहीं लग रहा, बहुत सूना सूना लग रहा है। अगर वो नियोन क्रिमिनल यहाँ होता तो अभी मेरे लैपटॉप में फ्री फायर खेल रहा होता और मैं उसे मार के भगा देता। सॉरी, ये मेरा एडिटिंग का लैपटॉप है। बाकी वो छोटे आदम सासा होते तो वो भी ऊपर लटक रहे होते और मैं उन्हें कहता, ये आप क्या कर रहे हो यार? और वो मुझे बोलते, कुछ नहीं, मैं तू जो कर रहा है वो देख रहा हूँ, पर छोड़ो यार, वो तो जा चुके हैं। पर अभी मम्मी ने मस्त लहसुन के परोठे बना दिए हैं और भूख भी लगी है, तो सड़ो सड़ते हैं। तो गाइस, अभी मस्त लहसुन के परोठे खा के आ चुका हूँ, मजा आ गया। बाबू मौसा, ये क्या, ये दोनों तो वापस आ गए। आइए आइए, ओए, आप दोनों का फिर से स्वागत है। अबे ये क्या, वापस क्यों आ गए तुम दोनों? अरे वो हमारी शिप का बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, इसीलिए आना पड़ा। अरे अच्छा है, इसी बहाने कुछ दिन और साथ में रहने का मौका मिल जाएगा। क्या मुंह उठा के आ गया, बिमल लाया कि नहीं? नहीं नहीं, हम बिमल नहीं लाए। और तुम क्या पूरे दिन बिमल ही खाती रहती हो? अरे एक तो क्या बोलता रहता है समझ में नहीं आता है, मुंह से सुपारी निकाल कर बात कर। और नहीं, इसका वॉइस तो कितना स्वीट है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं। नहीं इप्पू, इसके आवाज में कोई दम नहीं है, लोग मेरा बोल रहे होंगे। नो आई, तू खुद कमेंट देख ले। अरे हाँ, ये तो सच में लोग कमेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो लोग मेरी वॉइस को इतना भाव नहीं देंगे, इसलिए इसे मार देना सही है। अबे तू ये क्या कर रहा है नूबड़े? सारे मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे अलावा किसी और की तारीफ करे, इसलिए मैं तुझे मार दूंगा। ठीक है, आजा, जैसी तेरी मर्जी। सारे शॉट गन की से गोली उतार दूंगा तेरे में। अबे पहले सही से निशाना लगाना तो सीख ले। आ बताओ बाबू, क्यों कॉल किया? यहाँ तो घमासान फायरिंग हो रहा है, मजा आ रहा है। ओए बाबू, वो स्कूबीडू कुत्ता है ना, वो आज सुबह से मेरे पीछे पड़ा है, उसका कुछ करो ना। ओए बाबू, क्या कर रहा है वो? सुबह से वो हमारे घर के गेट के बाहर खड़ा है, बार बार बोल रहा है, ए पिगड़ी आजा, तुझे अपनी पर्स में घुमाता हूँ। ओए बाबू, ये बात है, तुम रुको, अभी मेरे आदमी को बोलकर उसका गेम बजाता हूँ। ठीक है बाबू, बाय। और सुन पिगुड़े, आ जा, तुझे हमारी पर्स में घुमाता हूँ। सॉरी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। एक सेकेंड, चमेली रुक, अर्जेंट कॉल आ रही है। हाँ पिगू भाई, बताओ कैसे याद किया? ओए सुन बिल्ला, कोई मेरी बाबू को परेशान कर रहा है, उसका नाम स्कूबीडू है, गेम बजाना है उसका। समझ गया ना भाई, चिंता क्यों करता है, अभी साले को बताता है मैं। चाचा कुछ करो, इन दोनों को रोकना पड़ेगा। अरे क्रिमिनल, तू क्यों इसे मारना चाहता है? ये तेरा मेले में बिछड़ा हुआ छोटा भाई है। नहीं सासा, कह दो कि ये झूठ है। नहीं क्रिमिनल, ये सच्चाई है जो मैंने आज तक छुपा के रखी थी। नियोन क्रिमिनल मेरे छोटे भाई, रेड क्रिमिनल मेरे बड़े भाई। मुझे पता नहीं था कि तू मेरा छोटा भाई है, वरना मैं तेरे पे कभी गोली नहीं चलाता पगड़े। अरे नहीं, आप तो मेरे बड़े भाई हो, गोली क्या, ट्रक भी चला सकते हो मेरे पे। मेरे भाई सच बताऊँ तो तेरी आवाज बहुत अच्छी है, मेरे से भी अच्छी। नहीं नहीं, मेरी तो टट्टी है पर आपकी बहुत स्वीट है। क्या बात है, चला जा, इसी बहाने गले मिल रहे। बस बस, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ बड़े भाई। नोटी होड़ा के छोटे भाई हैं, नोटी होड़ा। अबे ड्राइवर, यहाँ पर गाड़ी रोक दे, यही घर है पिगू भाई की बाबू का। अरे पिगुड़ी आ जाना, बता रिया हूँ, फिर गोलगप्पे खाने जाएंगे पर्स में। अच्छा यही है वो, सुन स्कूबीडू, यहाँ से चला जा वरना अच्छा नहीं होगा। अरे ससुरा तुम कौन हो, हमका धमकी दे रही हो, गेम बजा दूंगा, स्कूबीडू नाम है हमरा, स्कूबीडू। अबे कौन किसका गेम बजाता है वो तो अभी पता चल जाएगा, बल्लू मार इसको। अच्छा ही बात है, सुनो पीटर पार्कर स्पाइडर आ जाओ सारे। अबे येड़े, तू हमें तो मार डालेगा, पर ये बात अगर पीगू भाई को पता चली ना तो वो तुझे घर में घुस के मारेंगे। क्या बात कर रही हो, तुम्हें पीगू भाई ने भेजा है, इसका मतलब ई बाबू पीगू भाई की है। हाँ सही कहा, पिगू भाई की बाबू है ये। अरे हमें पता नहीं था ये पिगू भाई की बाबू है, हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दीजिए, पिगू भाई के बहुत एहसान है हम पे।
गाइस अभी मैं नियॉन क्रिमिनल के साथ लड़ाई करके आया और एक मजेदार बात पता चली कि ये जो नियॉन क्रिमिनल है ना वो मेरा छोटा भाई है। हम दोनों बचपन में मेले में बिछड़ गए थे, पर यार मैं कभी बचपन में मेले में तो गया ही नहीं, पर सासा बोल रहे है तो होगा। बाकी देखो नियॉन क्रिमिनल और छोटे आदम सासा की भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उनके वीडियो का लिंक कमेंट में दिया है, देख लेना। और अगर आपको उनका कॉन्टेंट पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। बाकी अभी मैं मेरे छोटे भाई को खेत दिखाने ले जा रहा हूँ, तो सड़ो सड़ते हैं। ओए हाँ बोल बिल्ला, क्या खबर है? पीगू भाई वो स्कूबीडू आपको जानता है, आपने उसकी मदद की थी पहले, तो वो आपसे माफी मांगकर चला गया, उसको नहीं पता था कि आपकी बाबू है। ओए हाँ ओए याद आया, ये स्कूबीडू का मैंने एक जमीन का मैटर सुलझाया था, कोई माफिया उसे परेशान कर रहा था तो उस माफिया की गैंग का सफाया कर दिया था मैंने। वे देख छोटे भाई, यहाँ से जो तुम्हें सामने खेत दिख रहा है वो हमारा खेत है। अच्छा तो ये खेत किसका है? ये भी बढ़िया है। अरे वो झोकड़ों का खेत है, बहुत बुरे लोग हैं। एक सेकंड, हाँ किसी का कॉल आ रहा है। हाँ पर इनका खेत तो बढ़िया है, टमाटर की खेती कर रहे हैं ये लोग। हेलो भाई, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने कब आ रहे हो? अरे मैं वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाला नहीं हूँ, रंग रंबर रखो फोन। नहीं हो झूठ मत बोलो, आपने बोला था 2 बजे तक आ जाओगे, ये क्या कर रहे हो आप? अरे ये कौन हमारे खेत में घुस रहा है? पक्का यही है वो जो रोज हमारे टमाटर छोड़ कर जाता है। वाह बढ़िया टमाटर है, बिल्कुल बड़े भाई जैसे लाल लाल। नुबरे दिन दहाड़े टमाटर लूटता है, काफी दिनों से तुझे ढूंढ रहा था, आज हाथ आ गया। अबे ये क्या, सारे मेरे छोटे भाई को मारता है, तुझे गोली मार दूंगा मैं। रे एक तो मारे खेत में चोरी करता से, ऊपर से मारे भाई को धमकी देता से। बड़े भाई इन सब को मार कर मेरा बदला लो। अच्छा भाई तो तू हम जोकरों को मारेगा, ठीक से कर ले दो दो हाथ। अबे यार 4 जोकर है, सारों मिलके मेरा गेम बजा देंगे, अब क्या करूं? क्रिमिनल तुम इनसे क्या डर रहे हो? ये एक हो या 4 ये तो जोकर ही ना, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अरे तू बहुत उछल रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। नूबड़े हम जोकर गैंग से पंगा लेकर गलती कर दी, अब तो तन्ने जिंदा ना छोड़ूंगो। जोकर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेहमानों को मारने की? आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रे भाई ये क्या, ये तो आदम आ गया, बहुत गुस्से में लग रिया से। सालो 2 दिन मैंने शरीफ बनने का नाटक क्या कर लिया, तुम तो हमें हल्के में लेने लगे। रे भाई आदम हमारे से गलती हो गई, हमें छोड़ दे। अरे आदम आज तो हम तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जे। उन तक पहुंचने से पहले जोकर तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। अरे वाह यार दोनों आदम सासा ओपी है। तो गाइस अभी लड़ाई झगड़ा करके हम घर पे आ चुके हैं। बाकी आपको नियॉन क्रिमिनल और छोटे आदम सासा पसंद हो तो उनके चैनल की लिंक कमेंट में है, देख लेना। और मेरी एडिटिंग भी हो चुकी है, तो मेरे को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।